सब परफेक्ट है मम्मी, आप महान हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर कोई आप जैसा परफेक्ट हो। इतनी छोटी सी बात बाकी समझ में नहीं आ रही है मम्मी, और जरूरी नहीं है कि इस घर की हर बहू को आपके साथ कंपेयर किया जाए। क्या उसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आप जैसी बन जाए? दिस इज नॉट फेयर मम्मी। पर फिर भी ऐसा होता है, और जब तक ऐसा होता रहेगा इस घर की कोई भी बहू अपनी जगह नहीं बना पाएगी। ना उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही उसे काबिल समझा जाएगा। अरे तू अनुपमा जैसी नहीं बन सकती, उसमें अनुपमा का क्या दोष? सी, देख रही हैं आप, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होता रहेगा मम्मी। लगता था कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूं ना, आज तो तुम्हारी बहू ने भी साफ कह दिया कि प्रॉब्लम की असली जड़ तो तुम हो। देख, मैंने जानबूझ के किंजल को नहीं डांटा था, मैं तो उसे प्यार से समझा रही थी। पता नहीं उसको क्यों ऐसा। सॉरी। बा आपके साथ अलग बिहेव करती है और मेरे साथ अलग बिहेव करती है, और जरूरी नहीं है कि इस घर की हर बहू को आपके साथ कंपेयर किया जाए या उसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो आप जैसी बन जाए। दिस इज नॉट फेयर मम्मी। पर फिर भी ऐसा होता है, और जब तक ऐसा होता रहेगा इस घर की कोई भी बहू अपनी जगह नहीं बना पाएगी। ना उसे खुले दिल से एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही उसे काबिल समझा जाएगा। तुम्हारी एक्स समधन बहुत उड़ रही थी, मगर किंजल किंजल एक झटके में उसे जमीन पे ले आई। व्हाट, ऐसा क्या हो गया? वही जो ना तुमने सोचा था ना मैंने। किंजल बा और अनुपमा दोनों को उल्टे जवाब देने लगी है। नाइस। पर कुछ तो बात हुई होगी ना, वरना किंजल हमेशा मम्मी मम्मी करते नहीं थकती थी। लाइक यू नो, मेड रखने में तो इन लोगों की जान निकलती है। अनुपमा को आजकल स्कूल का कुछ एक्स्ट्रा काम मिल गया है, प्लस हर मदर इज आल्सो नॉट वेल, तो वो मैडम तो सुबह निकल जाती है और फिर सीधा रात को वापस आती है। और बा, बा को तो झूला झूलने से फुर्सत ही नहीं है, इसीलिए घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंजल के कंधों पर आ गई है। अनुपमा के गले का फंदा इन लोगों ने अब किंजल के गले में बांध दिया है। पर किंजल भी कब तक बर्दाश्त करती? आज फाइनली उसके सबर का बांध टूटा और उसने रिएक्ट किया, विच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। अरे किंजल भी पूरा दिन ऑफिस में काम करती है, थक जाती है, ऊपर से घर आके उसे घर के भी काम करने पड़ते हैं, एंड प्लस नो अप्रिसिएशन फॉर एनीथिंग। हाँ, उल्टा उसे डांट पड़ती रहती है। I feel so bad for her. उसकी सास और उसकी सास की सास दोनों मिलके उसे दिन रात टॉर्चर करते रहते हैं। मेरी इस घर में नहीं चलती, वरना मैं किंजल के साथ कभी भी ऐसा होने नहीं देती। आई थिंक अनुपमा किंजल को ये जताने की कोशिश कर रही है कि इस घर की मालकिन वो है। तुम आओगी नहीं अपनी बेटी का हाल देखने? अनुपमा, मैं पहलू गई बापू जी, मैंने किंजल से वादा किया था कि मैं उसकी सास नहीं माँ बनूंगी। मैंने उससे वादा किया था कि घर के काम कभी भी उसके करियर के उसके सपनों के आगे नहीं आएंगे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अनुपमा नहीं बनने दूंगी। पर वही सब हो रहा है, मेरी वजह से किंजल बेचारी फंस के रह गई है।
आज उसने जब गुस्सा किया तो मैंने उसे टोका, पर उसका गुस्सा उसकी जगह पे बिल्कुल सही है। गलती तो मेरी है बापूजी, वो कहां से गलत है? नहीं बेटा, गलती तेरी नहीं है बेटा, हालात की है। तेरी माँ बीमार नहीं होती तो किंजल पे कभी काम का बोझ तू नहीं पड़ने देती। पर बापूजी, माँ मेरी बीमार है ने? तो उसमें बेचारी किंजल का क्या दोष? फिर भी सबसे ज्यादा परेशानी उसे ही हो रही है। आप लोग सब साथ दे रहे हैं, जितना जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो मेरी तरफ से बापूजी। फेल हो गई मैं, गलती तो फिर हमारी भी हो गई। लीला को थोड़ा समझना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया, आगे से कोशिश करेंगे ऐसा नहीं हो। सूरी की जल कैड नहीं तो शू तुमने बा और मम्मी से बहस की? मम्मी तो नहीं बताएगी, बा नहीं बताया होगा राइट? मुझे काव्या ने बताया। What happened? बा के अकॉर्डिंग मैं घर का काम ठीक से नहीं करती, पर तुषु बा के स्टैंडर्ड्स भी तो कितने हाई है। रोटी 1 मिलीमीटर मोटी बन गई, चावल को मैंने माइक्रोवेव में बना दिया इंस्टेड ऑफ कुकर, ठीक है, चाय में मैंने दूध जल्दी डाल दिया इसलिए पत्ती का रंग नहीं चढ़ा, तो बस बा नाराज हो गई। तुषु आई अंडरस्टैंड कि मैं घर के कामों में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट दैट डजंट मीन कि बा मुझे सुनाने लगे या मुझे मम्मी के साथ कंपेयर करने लग जाए। मुझे किंजल से बात करनी चाहिए। बात कर, अपने गुस्से पे काबू कर लीला। गलत तरीके से कही गई सही बात भी चुपती है। अब देखना, जरा सी बात से अनुपमा और किंजल के रिश्ते में खटास पैदा हो गई है। इसमें मेरी क्या गलती है? सही सिखाना गलत है क्या? और मेरी दादी सासू ने भी ना मुझे ऐसे ही डांट डांट के सिखाया। वो टाइम अलग था लीला, तब बहुएं सिर्फ घर संभालती थी, अब घर भी संभालना है, दफ्तर भी संभालना है, बुजुर्ग भी संभालने हैं। और तुझे मालूम है इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? जॉइंट फैमिली की हिंदुस्तानी बहू होना। 15 पार्टी वाली सरकार के पीएम पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना घर की एक बहू पे होता है। तू प्रेशर कम ना कर सके, कम से कम बढ़ा तो मत। मैं किंजल को क्यों परेशान करूंगी? मैं भी देख रही हूँ कि वो कितनी मेहनत कर रही है, और ये जो भी मैंने किया वो जान बूझ के नहीं किया था। स्टॉप कर, जान बूझ के चुप रहना सीख। बड़ों की वजह से बच्चों के रिश्तों पे असर नहीं पड़ना चाहिए। रोटी थोड़ी मोटी बन गई या चाय कच्ची रह गई, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है लीला? किंजल भी सीख रही है तो तू भी चुप रहना सीख। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे बच्चे हमें इतना मान सम्मान देते हैं, और अगर वो कोई गलती करे भी तो माफ किया कर। अरे पर मैं तो सिर्फ सिखा रही थी। तो प्यार से सिखा। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि किंजल इतने बड़े घर की होके, इतनी पढ़ी लिखी होके भी अपने संस्कार नहीं भूली। और वो किंजल है, उसे अनुपमा बनाने की कोशिश मत कर। किंजल, बात कंपैरिजन की नहीं है, बात है बात को समझाने की। आप जब भी किसी को बात समझाते हो तो आप एग्जांपल्स को यूज करते हो, बा भी वही कर रही है। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि जब भी बात घर की आती है तो मम्मी से अच्छा एग्जांपल और कोई हो ही नहीं सकता। तुषु प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाओ। अरे तुम मेरी बात सुनने से पहले ही क्यों रिएक्ट कर रही हो? किंजल, हर फैमिली के काम करने के कुछ तौर तरीके होते हैं, ट्रेडिशंस। बा ने बड़ी बा से कुछ चीजें सीखी, उन्होंने मम्मी को कुछ चीजें सिखाई, और अब वो तुमको कुछ चीजें सिखा रही हैं। She just wants you to apply them, that's it. पर जरूरी नहीं है जो सालों से होता रहा है वो आज भी रेलेवेंट हो। तुषु, पहले जमाने में टैप, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये तो सब नहीं होता था ना? लेकिन जब आज है वो तो उसे यूज क्यों नहीं किया जाए, जस्ट बिकॉज वो पहले यूज नहीं होता था। तुषु, मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ ना।
तो क्या वो अपनी आदत बदलने के लिए जरा से भी कोशिश नहीं कर सकते? चावल चाहे कुकर में पके या माइक्रोवेव में पके, मतलब तो उनके पकने से होना चाहिए ना। चलो एक बात बताओ किंजल, पीपीटी की स्लाइड्स अगर लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो उस पे लिखे कंटेंट से होना चाहिए ना। फिर भी तुमने काव्या को बोला कि तुम्हें सारी की सारी प्रेजेंटेशन लैंडस्केप में चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे आदत। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किंजल, कि जैसे तुम्हें आदत डालने में टाइम लगेगा, उन्हें आदत बदलने में टाइम लगेगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर क्या बातें हो रही हैं। पर हाँ एक बात तो क्लियर है कि इनके टोन से ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में झगड़ा हो रहा है। ओ हाँ याद आया, मैंने तोशु को बता दिया था कि किंजल और बा के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी, हो सकता है इस वजह वो लोग ऐसे। आई नो तुम यहाँ पे इनकी बातें सुनने नहीं बल्कि किंजल से बात करने आई थी, बट रॉन्ग टाइमिंग यू नो। और हाँ घर का ये वाला हिस्सा मेरा और वी का है, सो प्लीज गेट आउट। जिन रिश्तों के दम पे तुम इतना उड़ती हो अनुपमा, अगर वही टूट जाएंगे तो क्या करोगी? आई कांट बिलीव कि तुम वही किंजल हो जिससे मुझे एक दिन इसी कमरे में ये समझाया था कि अगर मैंने मम्मी से बदतमीजी करनी नहीं छोड़ी तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। किंजल मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम बदल गई हो, इनफैक्ट तुमने तो मुझे बदला है, या यूं कह लूं कि तुमने मुझे सुधारा है किंजल, इसलिए मैं तुम्हें वो याद दिला रहा हूं जो तुम मुझे कभी समझाया करती थी। सारा ज्ञान तुम मुझे ही दोगे, अपनी मम्मी या बा को नहीं समझाओगे? मम्मी कहती है कि बा गलती कर सकती है क्योंकि वो बड़ी है। अरे बड़ी है तो कम से कम बड़प्पन तो दिखाए ना। Why is she expecting me कि मैं मम्मी जैसी बन जाऊं? किंजल तुम मम्मी जैसी बनो ना बनो, पर प्लीज काव्या जैसी मत बनना। ओके डू वन थिंग, तुम अभी काफी गुस्से में हो, तुम एक ब्रेक ले लो, तुम अपनी मॉम के घर जाओ, कुछ दिन स्पेंड करो और शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। वाओ, मुझे मेरी मॉम के घर जाने के लिए कह सकते हो लेकिन मम्मी अब्बा को समझा नहीं सकते? जिसे समझाना चाहिए उसे समझा रहा हूँ पर उसे समझ में तो आ नहीं रहा। किसी और को समझाने का क्या फायदा? सोचा था एटलीस्ट तुम मुझे सपोर्ट करोगे लेकिन जस्ट लाइक योर फादर तुम भी अपनी फैमिली की साइड ले रहे हो। क्या कहा था तूने? मैं किंजल को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, कहा था ना? याद है? याद है कि नहीं? मॉम प्लीज डोंट यू डेयर, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा और जो बोलेगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। वादा किया था ना कि तुम मेरी बेटी को इस चार दीवारी में कैद नहीं होने दोगी, उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकोगी, उसे अनुपमा नहीं बनने दोगी। वादा किया था ना, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? तुम्हारे वादे भी तुम्हारी तरह झूठे निकले। मैंने अपनी बच्ची को प्रिंसेस की तरह पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, इसलिए नहीं कि शादी के बाद वो तुम सबकी नौकरानी बन जाए। जिस लड़की ने कभी किचन में पैर नहीं रखा आज वो इस घर में कभी रोटियां बेल रही है, कभी थेपले बेल रही है,
जिसके एक इशारे पर एक नहीं 10 नौकर आकर खड़े हो जाते थे, आज वो लड़की मार्केट से सब्जियां उठाकर ला रही है। क्यों? क्योंकि वो बहू है। सच अ टिपिकल मिडिल क्लास एटीट्यूड। बहू के घर में आते ही सास महारानी बन जाएगी और बहू नौकरानी। एंड हु आर यू? तुम होती कौन हो मेरी बेटी से घर के काम करवाने वाली? जस्ट बिकॉज उसने तुम्हारे बेटे से शादी की है, इट डज नॉट मीन कि तुम लोगों ने उसे खरीद लिया है। मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत करती है अनुपमा, इसलिए तुम्हारी सुनती भी और मानती भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी गुलाम है। और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि इस घर में तुम्हारा हिस्सा है, इसलिए तुम मेरी बेटी को अपनी उंगलियों पे नचाओगी, तो एक बात कान खोल कर सुन लो। ऐसा एक घर नहीं, 50 घर खरीद के दे सकती हूं मैं उसे। मेरी बेटी यहां इस घर की वजह से नहीं है, इस परिवार की वजह से है। She loves you all. But unfortunately, तुम लोग उसके प्यार के लायक नहीं हो। Mrs. Dave, mind your language. You mind your attitude. ये मत समझना कि लड़की की माँ हूँ इसलिए चुप रहूंगी। और आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप किंजल की माँ हैं, इसलिए हम आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करेंगे। आप लोग मेरी बेटी को दिन रात टॉर्चर कर रहे हैं और मुझसे तमीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किंजल को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है मिसेस दवे। How can you say that? आपको आइडिया भी है कि आपके पीठ के पीछे इस घर में क्या क्या होता है? मेरी बेटी को क्या सुनना और क्या क्या सहना पड़ता है? ये सब बकवास है। बकवास नहीं, सच है। बस ये घर है, ये अदालत नहीं जो एक दूसरे पे सब इल्जाम लगा रहे हैं। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है वो समझ सकता हूं, लेकिन पूरा सच जाने बिना ऐसे चीखना चिल्लाना सही बात नहीं है बेटा। शुक्र मनाइए बापूजी कि सिर्फ चीख रही हूँ और चिल्ला रही हूँ। अगर चाहूँ तो मेरी बेटी को टॉर्चर करने के जुर्म में आप सबको यूं चुटकियों में अंदर करवा सकती हूँ, इंक्लूडिंग यू। मेरे बापूजी के साथ कोई भी बदतमीजी करे, आप जानती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।